नहीं सब गोलमाल है। बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। लेकिन छह महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा। सो देख रहे हो गाइस कितना झूठ बोला जा रहा है यार, कितना झूठ बोला जा रहा है। आई फील लाइक हम एक्चुअली बोल सकते हैं व्हाट वी वेंट थ्रू, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो उनको वैसे भी दिख जाता है हमारी शक्लों पे, बिकॉज दी ऑडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। सो वेलकम गाइस, आपके मैसेजेस आते रहते हैं कि यार सुशांत भाई के ऊपर वीडियोस बनाओ, सुशांत भाई को सपोर्ट करो। तो यार मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं ट्विटर पर पूरा सपोर्ट करता हूँ, बट वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बट यस, जो ट्रेंड चला था एक जस्टिस फॉर रिया, यार सही बताऊं तो वो ट्रेंड देख के मैं एकदम से शॉक्ड हो गया था कि सर ये तो टट्टी है, ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है, जस्टिस फॉर रिया, मतलब रिया के लिए जस्टिस मांगा जा रहा। तो फिर उस ट्रेंड के अंदर जो लोग वो ट्रेंड चला रहे थे उनके जाके प्रोफाइल्स को क्रॉस चेक किया, और मैं आपको भी बोलता हूं कि करना क्या है, सिंपल करना है, ट्विटर के ऊपर जाओ, हैशटैग जस्टिस फॉर रिया करो, और जो प्रोफाइल्स उनको रन कर रही थी एक बार जाके उन प्रोफाइल्स को देखना, उसमें से एक भी प्रोफाइल आपको ऐसी नहीं मिलने वाली जिसने जस्टिस फॉर सुशांत के लिए ट्वीट किया हो। तो इससे पता चलता है कि यार ये एक पेड एक्टिविटी थी पूरी की पूरी, और पीआर एक्टिविटी आप कह सकते हो, और पीआर एक्टिविटी स्टार्ट तभी हो गई थी जब रिया ने आज तक वालों को इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू पीआर एक्टिविटी का ही पार्ट था। अगर रिया को देश के सामने अपनी अपना ओपिनियन या अपना जो उसके ऊपर जो चीज बीत रही है, अगर रिया को वही चीजें बतानी थी तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कर सकती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकती थी जहां पर सारे प्रेस वाले आते और रिया हर एक सवाल का जवाब देती। बट यहां पर हुआ क्या, आज तक पे गई, आज तक वालों को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पे कितने नरमी से सवाल पूछे गए और किस लेवल के सवाल पूछे गए वो आप सबको पता ही, मतलब ये कोई कड़क सवाल वहां पे पूछा ही नहीं गया। और जो कुछ सवाल पूछे गए उस पर रिया ने क्या बोला कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, ये मेरे अगेंस्ट जा सकता है। तो ऐसी क्या चीजें है भाई, अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसके पास ऐसी कौन सी चीजें छुपी हुई है जो उसके अगेंस्ट जा सकती है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है अगर कोई सच्चा इंसान है तो वो एकदम फिर ओपन है, ओपन बुक है वो, कि आप सवाल करो उसके पास जवाब है, उसकी सारी हिस्ट्री एकदम क्लियर है कि उसका कोई लेना देना नहीं था सुशांत केस के साथ। तो यार ये एकदम से मतलब पता नहीं, जस्टिस फॉर रिया चलाने वाली जितनी भी प्रोफाइल्स थी, मैंने बहुत सारी प्रोफाइल देखी है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स को जाकर देखा। कुछ प्रोफाइल ऐसे गेम खेलते थे कि जस्टिस फॉर सुशांत भी टैग कर रही थी, जस्टिस फॉर रिया भी कर रही थी, बट अगर हम उससे पहले के ट्वीट देखें तो एक भी ट्वीट सुशांत के लिए नहीं किया गया। तो अगर इतना ही जस्टिस दिलवाने की आग इन लोगों के अंदर आई तो ये सुशांत के टाइम पर कहां चले गए थे सबके सब? सुशांत के टाइम पर सारी प्रोफाइल्स गायब थी, और कितनी प्रोफाइल ऐसे कि जिन्होंने एक साल तक ट्वीट ही नहीं किया हुआ बट अब सडनली एक्टिव हो गई है। और इसी के साथ कुछ ब्लू टिक वालों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि विदाउट ब्लू टिक ट्रेंड को उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी इसके अंदर आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते, जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं जो ये सब चीजें रन कर रहे हैं उनको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की धमकियां आ रही है, नेक्स्ट लेवल का उनको परेशान किया जा रहा है। आप सब जानते हो, जो भी इस केस के साथ जुड़े हुए जो फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता ही होगा इस चीज के बारे में। तो यार मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ऑलरेडी पहले ही दो चीजों से निकल कर आ रहा हूं। बट यस, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट है इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि जस्टिस फॉर रिया जो ट्रेंड चलाया गया वो एकदम फेक है और पीआर एक्टिविटी है, और इसका जस्ट नेक्स्ट डे, आज तक के जस्ट दूसरे दिन ही इस ट्रेंड को क्यों होना था, क्योंकि एक पीआर एक्टिविटी प्लान की जाती है कि सबसे पहले अभी जो पीआर का काम है रिया चक्रवर्ती का वो सिंपल एक ही है कि पब्लिक के दिमाग से ये चीज को हटाया जाए कि रिया का कुछ लेना देना है इस केस के साथ। तो अभी क्या इमेज बनाई जा रही है कि रिया को टारगेट किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी उठ के आ गए जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये चीज बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक अबला नारी को टारगेट कर रही है। भाई इन सब लोगों के लिए तो क्लैपिंग है, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है, मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है। जब आज तक वालों ने ये सब चीजें पूरी चलाई
जस्ट उसके नेक्स्ट डे ही इनके अंदर की आत्मा ऐसी कैसे जाग गई कि ये जस्टिस फॉर रिया, रिया को जस्टिस दिलवाने के लिए निकल पड़े, और उससे पहले किसी को जस्टिस नहीं दिलवाया इन लोगों ने। सो यार आपको बस यही बताने आया हूं कि पीआर एक्टिविटी अभी स्टार्ट हो चुकी है सबके ब्रेन वॉश करने के लिए, तो अलर्ट रहना अभी के लिए।